इंडियन आइडल 13 आने जा रहा है आपका मनोरंजन करने। जल्द ही आएगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सबका फेवरेट इंडियन आइडल। इंडियन आइडल भारत का सबसे फेमस सिंगिंग शो माना जाता है और हर साल इस पे लाखों रुपयों का खर्चा भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शो जज करने के लिए हमारे जजेस कितने चार्ज करते हैं और वहीं हमें एंटरटेन करने वाले हमारे होस्ट कितनी सैलरी लेते हैं? क्या है सारी डिटेल्स बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अगर आप संगीत के चाहने वाले हैं तो आपको बेसब्री से होगा इंतजार इंडियन आइडल का, बल्कि हर दशक करता है इस शो का बहुत ही ज्यादा इंतजार। तो फाइनली आपको बता दें कि इंडियन आइडल का सीजन 13 आने जा रहा है जल्द ही आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब देखना यह है कि देश के अलग अलग शहरों में से कौन है वो खुशकिस्मत लोग जिनकी आवाज़ कर देगी जजेस को एग्री उन्हें अगले पड़ाव में ले जाने के लिए। बात करें इस शो के जजेस की तो इस बार शो के जजेस हमेशा की तरह तीन होंगे। कौन है आखिर वो? सबसे पहले सबकी फेवरेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका नेहा कक्कड़, उसके बाद ओ हुजूर सबके फेवरेट हिमेश रेशमिया, एंड इन द एंड बट नॉट द लीस्ट विशाल ददलानी। दोस्तों ये तो होंगे इस शो के जजेस जो करेंगे कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट अगले पड़ाव के लिए। आपको बता दें कि इंडियन आइडल 13 को होस्ट करेंगे आदित्य नारायण जो खुद भी संगीत के चाहने वाले हैं। अब इतना सारा एंटरटेनमेंट एक साथ मिलेगा तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है दर्शकों का। आपको बता दें कि इंडियन आइडल इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और इसकी शूटिंग्स में काफी मेहनत लगती है। वैसे ही हमारे जजेस अपनी बिजी रूटीन से टाइम निकालते हैं इस शो का हिस्सा बनते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें काफी भारी रकम मिलती होगी शो को जज करने के लिए। आपको बता दें कि विशाल ददलानी इस शो को जज करने के 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक एपिसोड के। जी हाँ, विशाल ददलानी पर एपिसोड 5 लाख चार्ज करते हैं। उसके बाद हिमेश रेशमिया की बात करें तो वो चार्ज करते हैं 6 लाख पर एपिसोड, और इन द एंड सबकी फेवरेट नेहा कक्कर चार्ज करती हैं 8 लाख पर एपिसोड। वहीं बात करें शो के होस्ट आदित्य की तो वो चार्ज करते हैं 7 लाख पर एपिसोड। इंडियन आइडल शो के सभी सीजन्स के जजेस होते हैं हमारे इंडिया के जाने माने म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स और आर्टिस्ट। जहां इतने टैलेंटेड लोग बनेंगे जजेस, वहां इतनी भारी रकम तो इनके सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों आपको इंडियन आइडल के इन जजेस में से कौन सा जज ज्यादा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही अपने फेवरेट जज के सपोर्ट के लिए और इंडियन आइडल के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।